आप देख रहे हैं टेक्निकल लाइफ हिंदी। आज हम बात करेंगे कि आपको सफारी और क्रोम दोनों क्यों मैक ओएस में इंस्टॉल करना चाहिए। सफारी हमारे डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है और यहाँ पे हमें क्रोम का ब्राउज़र क्यों ओपन करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सफारी में हमें कोई भी एक्स्ट्रा एक्सटेंशन यहाँ पे डालने को नहीं मिलता। जैसे कि यहाँ पे मैंने youtube.com ओपन किया है, इसको फुल स्क्रीन में कर लेता हूँ। तो ये youtube.com मैंने ओपन किया है, तो यहाँ पे हमें इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। देख मैं दिखाता हूँ अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे हमें कोई भी वीडियो में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रहा नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्रोम में एक और फ़ायदा मिलता है। तो यहाँ पर हमें एक्सटेंशन इंस्टॉलेशन करने के लिए वेब स्टोर भी मिल जाता है। तो यहाँ पर कई सारे एप्लीकेशन जो आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई भी शेयर बाजार का जानना है तो यहाँ पे कई सारे टूल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे यूट्यूब का भी टूल्स मिलता है और कई सारे जैसे कि यहाँ पे मनरेगा, स्पीड टेस्ट और सब कुछ आप इंस्टेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैंने एक एक्सटेंशन यहाँ पे ट्यूबबडी का डाला हुआ है, तो आप इसे इंस्टॉल करके यहाँ पर डाल सकते हैं। परंतु यहाँ पर कोई भी एक्सटेंशन आप लगा सकते नहीं है। और हर बार मैक ओएस में या फिर एप्पल स्टोर में सब कुछ मिलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर ट्यूबबडी भी यहाँ पर इसकी एक्सटेंशन मिलती नहीं है। तो यहाँ पे हम क्रोम ब्राउज़र में एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। अगर आप डेवलपमेंट के अंदर हो तो यहाँ पे कोई भी आप इसका डेटा को छेड़छाड़ कर सकते हैं, नहीं मीन्स कि यहाँ पे कोई भी HTML कोड या फिर कोई भी कोड यहाँ पे यूज़ कर सकते हो नहीं। तो और यहाँ पे हमें HTML और जैसे सब कुछ यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि दोनों में कौन कौन से फ़र्क है। तो यहाँ पर थोड़ी सी इंटरनेट स्लो है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल की हुई है, तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट से सब कुछ यहाँ पे देख सकता हूँ और कोई भी चैनल के बारे में यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से देख सकता हूँ, ताकि वीडियो देखने में बड़ी आसानी से हो। जैसे कि यहाँ पे अपना कॉलेज है चैनल, तो यहाँ पर मैं सब कुछ देख सकता हूँ। तो यहाँ पर नॉर्मल सा लिखा हुआ है, परंतु यहाँ पर इसकी टैग और सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ आता मिलता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इंटरनेट का थोड़ा सा स्लो है, तो यहाँ पर देख सकते हैं तो इसमें कितने व्यूअर्स है। और यहाँ पर हम आसानी से टेक कॉपी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉपी सिंपली करना है और आप कर सकते हैं और इसकी इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं और टॉपिक के बारे में सजेस्टेड भी कर, टॉपिक के बारे में कौन सा लिखना है वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे कई सारे टूल्स मिलते हैं और यहाँ पे सफारी में यहाँ पे कई सारे टूल्स नहीं मिलते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र का यूज़ कर रहा हूँ। तो क्रोम ब्राउज़र को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिखना है क्रोम। यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र लिखना है, थोड़ा सा इंटरनेट का स्लो है इसलिए। और यहाँ पे डाउनलोड क्रोम ब्राउज़र वहाँ पे जाना है। और यहाँ पे डाउनलोड क्रोम में जाना है, तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, मैक ओएस में कौन सी चिप है, इंटेल वाली है या फिर मैक ओएस की। तो आपको, मेरे पास यहाँ पे मैकबुक एयर है M1 प्रोसेसर, मीन्स की एप्पल चिप है। तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। शायद यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट ना हो तो यहाँ पे मैन्युअली भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके से क्रोम को इंस्टॉल करना है और नॉर्मल सा जिस आप इंस्टॉल यहाँ पे कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मैं एक बात कर रहा था कि यहाँ पर एक और भी फीचर मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर यूट्यूब है, तो यहाँ पर हम इसे भी चेंज कर सकते हैं कई सारे। अगर आपको कोडिंग अच्छी तरीके से आती हो तो आप इसका एक्सपेरिमेंट कर ही चुके होंगे। और यहाँ पे इसके बारे में कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, सब कुछ यहाँ पे चेंज कर सकते हैं मैन्युअली भी। तो आप अगर डेवलपमेंट के साइड से हो तो आप ये इसका भी यूज़ कर सकते हैं, तो आपको क्रोम की ज़रूरत पड़ेगी। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए इसी तरीके का कंटेंट देखने के लिए। थैंक यू।